तो खैर मुकदम है आप सभी का द डिस्पैच में। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट शबरेज बशीर। श्रीनगर म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन, जी हां, ये जुबान पर छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक के नाम है, लेकिन आखिर ये नाम जुबान पर क्यों है? क्या ये काम अच्छा करती है? क्या ये करप्शन में डूबी हुई है? ये बड़े दो सवाल है। ये हम इसको कह सकते हैं करप्शन में भी है, या ये कह सकते हैं काम में भी अच्छे। लेकिन जब से मेयर बन चुके हैं जुनैद अजीम मत्तू साहब, तब से डिफरेंट डिफरेंट सवाल, डिफरेंट डिफरेंट वहाँ से जो क्वेश्चन है वो आते रहे हैं। हाल ही में हमने, आपको याद होगा कि काउंसलर के, एक काउंसलर के साथ हमने बात की थी, डॉक्टर आकिब रंजू शाह से, उन्हें भी काफ़ी सवालों के पूछा उठाए। वही अगर डिप्टी मेयर श्रीनगर एसएमसी के परवेज अहमद कादरी साहब से, उन्हें भी सवालों के काफ़ी पूछा। लेकिन मेरे साथ है एक अहम काउंसलर जिनकी नज़रें रहती है श्रीनगर म्यूनसिपलिटी और खसूसन शहरी श्रीनगर पर, जो कि जुनैद अजीम मत्तू के साथ भी होते हैं और हर काम में के साथ होते हैं। तनवीर साहब, सबसे पहले आपका खैर मुकदम करते हैं द डिस्पैच में। वो सवाल ये है, सबसे पहला कि जहां तक हमने दो इंटरव्यूज पहले किए और उन इंटरव्यू में खिलाफ जो है मेयर को ही आया कि आखिर ये काम अच्छा नहीं करते हैं। कोई कहता है कि चार दिन ये जो है हफ्ते में दो या एक दिन का रात यहाँ पर ऑफिस आते हैं, लोगों का काम नहीं करते हैं। किस नज़र से आप इस देखते हैं? देखिए जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस वक्त हमें अपने व्यूज लोगों तक पहुंचाने का मौका दे रहे हो। आज आप अगर अचानक यहाँ आपने तशरीफ़ लाई, आप लोगों ने देखा होगा मेयर साहब ऊपर अवेलेबल है ऑफिस में। पिछले जिस दिन से हम इलेक्ट हो गए हैं तब से लेके आप लोग को पता होगा कि हालात कैसे हो गए थे पहले, लेकिन उसके बावजूद भी काम श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कैसा रहा काबिल तारीफ़ है और लोगों ने भी बहुत तारीफ़ की। पहले जो एब्रोगेशन के टाइम पे यहाँ टोटल बंद रहा था, तब मेयर साहब भी हाउस अरेस्ट थे, उसके बावजूद उन्होंने घर बैठ के भी कितने काम अंजाम दिए, उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या काम किया, वो ग्राउंड पे सीधे दिख रहा है। आप लोग को पता होगा पिछले साल जब हमारे मेयर साहब को कुर्सी से उतारा गया, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ के डिप्टी मेयर परवेज साहब की, उन्होंने 7 महीने मेयर की चेयर भी संभाली। अगर यहाँ मेयर नहीं होती है तब डिप्टी मेयर ऑटोमेटिक मेयर की चेयर भी उनको संभालनी पड़ती है जी। तो एज एक्टिंग मेयर आप मुझे बताइए 7 महीनों में क्या काम हो गया, किस काउंसलर को कोई डेवलपमेंट रिगार्डिंग कोई फंड मिला, किस काउंसलर की किसी रिक्वेस्ट पे कोई अमल हो गया। टोटल वो 6 या 7 महीने हमारे ज़ाया हो गए, बदकिस्मती, और उसके लिए मैं लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि हमारे इस श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थ्रू कोई डेवलपमेंट का काम हो नहीं पाया उन 6-7 महीनों। उसकी जो आप लोगों के पास तस्वीर वो तो मौजूद है कि कौन सा क्या काम हो गया उन 6-7 महीनों। हाँ, एक बात हो गई शहरी श्रीनगर में, नाजायज़ तामीरात खड़े हो गए उन 6-7 महीनों में, जो इस वक्त हमारे मेयर साहब अब उन 6-7 महीनों को सुधारने में लगे हैं। अभी हम इन 1-2 महीनों से वही 6-7 महीनों की जो डैमेज हो गई थी शहर श्रीनगर में, हम नहीं तामीरात के ख़िलाफ़ है, लेकिन लीगली होनी चाहिए, विद परमिशन होनी चाहिए, उससे क्या होता है उससे एक निज़ाम कायम। तनवीर साहब एक सवाल जानना चाहूँगा, क्योंकि बात यहाँ पर ये आती है कि आपने बहुत सारे जो है उस सवाल को इस तरीके से जवाब दिया, लेकिन जानना ये चाहूँगा कि डिप्टी मेयर और मेयर, ये दोनों म्यूनसिपलिटी के एक ऐसे अहदार हैं जो काम कर रहे हैं, खसूसन मेयर भी और डिप्टी मेयर भी, लेकिन दोनों में तनाज़ा क्यों? नहीं, तनाज़े की बात तब आती है, ये जो हमारे मेयर साहब है, मेरा उनके साथ कोई ज़ाती ताल्लुक़
है नहीं, मैं उनको इससे पहले जानता नहीं था। मैं जब इस सियासत में आया, मुझे लोगों ने इलेक्ट किया, यहाँ श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मैं भी एक हिस्सा बन गया। मैं मुझे जिन्होंने चुना है, मुझे उनका सोचना है, उनकी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग सोचना है, उनके जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं उन बारे में सोचना होता है। तो यहाँ जो ही मैंने अपना पैर रखा, उसके बाद यहाँ किसी न किसी को अपना ताउन अपना सपोर्ट देना होता है। उस बात को मद्देनज़र रख के मुझे जुनैद अजीम मुत्तू में ही ऐसी शख्सियत मुझे मिली कि जो शहर श्रीनगर का कुछ काम कर सकते हैं, जो कि इस शहर श्रीनगर को स्मार्ट सिटी में तब्दील कर सकते हैं। इस वजह से मैं इनके साथ साथ पहले दिन से रहा। अब आप बोल रहे हो ऊपर और नीचे का मेयर डिप्टी मेयर का तनाज़ा, जो यहाँ के हमारे डिप्टी मेयर साहब हैं, मैंने आपको हमें वाजिया ही कर लूँगा, उनको डेवलपमेंट के साथ कोई लेन देन है नहीं। अच्छा। उनका जो उनकी कमांड है वो कि कोई दूसरे साइड से चलाई जा रही है, उनके उनको अपना ये नहीं होता है पता अगर मैं चेयर पे बैठा हूँ मेरे पावर्स क्या है, मुझे करना क्या चाहिए, मुझे किस तरीके से यहाँ के ऑफिशियल से ट्रीट आना है, ट्रीट करना है। मैं आपको अपने वार्ड की छोटी सी एक मिसाल दूंगा, उन्होंने मेरे वार्ड में बहुत कुछ काम किया लेकिन बदकिस्मती है डेवलपमेंट नहीं की। उन्होंने वहाँ नाजायज़ तामीरात बनने में बहुत बहुत कोशिश भी की और बहुत उन्होंने वहाँ नाजायज़ तामीरात भी खड़े किए। इस ज़मन में इनका आपसी क्या मसला है वो तो ये जानते हैं, वो तो कोई बड़ी सियासत होगी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ यहाँ मेयर साहब जुनैद अजीम मुत्तू जो अगर वो नाकाबिल है, अगर उनमें कोई सलाहियत नहीं है, तो आप ही बताइए मुझे उनको दोबारा क्यों काउंसलर्स ने और भारी अक्सरियत से चांस दिया, दोबारा उनको कुर्सी पे बिठाया। चलिए ये थी मेयर की बात, और साथ ही साथ जाना ये चाहूँगा कि जहाँ तक सवाल ये है कि पिछले कई दहाइयों से हमने देखा कि श्रीनगर म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन में चाहे वो लोग कहते हैं, चाहे वो कॉपरेटर्स कहते हैं, चाहे यहाँ के मुलाजिम कहते हैं कि यहाँ पर करप्शन है। आपको लगता है श्रीनगर म्यूनसिपलिटी में करप्शन है? एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, करप्शन किस मसले में है इधर? यहाँ अगर कोई मान लो छोटी सी कागज़ की एक रिम लानी होती है, उसके लिए यहाँ पहले इतनी बड़ी फाइल बन जाती है जितना उस रिम में कागज़ होता है, उससे ज़्यादा कागज़ पहले यहाँ यूज़ हुआ होता है उस कागज़ रिम को लाने में। करप्शन किस एंगल, मतलब आपका इशारा मैं समझ नहीं रहा हूँ किस एंगल में। करप्शन थोड़ा बहुत हमें भी नज़र आती है, लेकिन वो उस करप्शन के ज़िम्मेदार हम शहर श्रीनगर जो कि यहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमों को ही नहीं ठहराएंगे। कहीं मैं इसमें किसी दूसरे बंदे का भी ऐसा हाथ होता है। मैंने जैसे आपको कह दिया, अगर यहाँ 6-7 महीने तबाही मची, अगर 6-7 महीने यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, क्योंकि मैं एक वाहिद बंदा हूँ, मैं आपको इस आपके स्टेज से भी, आपके इस माध्यम से भी लोगों तक भी ये बात पहुँच, मैं अगर आया हूँ यहाँ, मैं अपना बड़ा काम छोड़ के ये इस काम को मैंने लिया है, इस काम को मैंने ज़िम्मा लिया है, ताकि मेरे जिन्होंने मुझे, जिस आवाम ने मुझे इस इलेक्ट किया, इस पोस्ट पे बिठाया, मैं उनके काम आ सकूं। अब आपका सवाल जो है करप्शन, यहाँ बहुत सारी उंगलियां उठती हैं, लेकिन उन उंगलियां उठाने वालों को पहले इतना पता होना चाहिए कि अगर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थ्रू कोई 10 रुपये की भी कोई चीज़ लानी हो, उसके लिए पहले इतने अफसरान, फिर उसके बाद टेंडरिंग, उसके बाद फिर पेमेंट, तो तब जाके फिर पेमेंट जाती है जब हमने वो यहाँ की वो चीज़ें भी यूज़ की होती हैं। मेरा मतलब सीधे ये कहना है कि अगर किसी एंगल से हो सकती है करप्शन, उसके लिए जो एजेंसीज यहाँ बैठी हैं वो क्या फिर कर रही है, वो तो अपने तरीके से काम कर रही होगी। वैसे इस हमारे हवाले से जब से हम आए कोविड में, आपको पता है हमने कितना अच्छा काम किया, या ड्यूरिंग जब यहाँ हालात ख़राब थे तो तब भी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फ्रंट रो में रही, लोगों के मुश्किलात का उन्होंने अजाला ढूंढा, लोगों की खिदमत की। और उसके बाद कोविड का तो ये तो बोलने वाली बात है नहीं। अब उसके बाद कुछ दिन पहले जो यहाँ बर्फ़बारी हुई थी, आप लोगों को पता होगा, हमने इतनी कम मशीनरी, इतना कम मैन पावर हो के भी हमने कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा रोल हमारा रहा, वो तो सीधे काबिल आपको पता होगा। सैनिटेशन में भी हमारी रैंक 200 में आती थी, वो 36 पे पहुंची,
क्योंकि उसकी जो सर्वे होती हैं वो तो नेशनल लेवल पे होती हैं, वो ऐसी ही 36 हमारी रैंक देते नहीं। अगर ये 36 रैंक जो आई है, मैं मेरा मानना है ये सीधे मेयर साहब की काबिशों की वजह से, मेयर साहब की मेहनत की वजह से, और जो उनका काम करने का तरीका है ये उस वजह से हमारी रैंक 200 से लेके 36 पे पहुंच गई। उसका मैं लोगों का भी अपनी तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूं और मेयर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उनको ऐसी दर्द है यहां के लोगों की, शहर श्रीनगर के लोगों की, उन्होंने इतनी लगन इतनी मेहनत से काम किया जिसमें हमारी 200 से लेके 36 पे हमारी रैंक पहुंची। आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं हर किसी को ये सवाल पूछता ज़रूर हूँ, जिस तरीके से हमारे व्यूवर्स भी जानते होंगे कि अगर एज ए काउंसलर मैं आपके साथ बात एक सवाल एक ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर शहर श्रीनगर में डिप्टी मेयर या मेयर ना होते, क्या शहर श्रीनगर में अच्छा काम होता? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा काम होता नहीं, लेकिन अच्छा तो मुझे लगता है अच्छा तब हो गया अगर यहाँ, आप लोग को पता है जब किसी भी डिपार्टमेंट की सुपरविजन अच्छी होती है तो माशाल्लाह वो डिपार्टमेंट आगे चलता है, उस डिपार्टमेंट की जो उन पे जो फराइज होते हैं वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ देते हैं, वो जो एम्प्लॉयज़ है वो अपने अपना काम अंजाम देते हैं। लेकिन मसला एक बात है, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि इस तरीके की मैं ये बात कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि मेयर का जब तक मेरी नज़रों के सामने उनका सिस्टम, उनका काम करने का निज़ाम है, उनकी जब वो खुद फील्ड में रहते हैं तो जो हमारे जो छोटे छोटे सफाई कर्मचारी, हमारे जो अफसरान होते हैं, तो वो उनको देख के उनमें वो जज्बा ज़्यादा पेश आता है, उनमें वो जज्बा ज़्यादा उभर जाता है कि वो भी फिर 10, अगर उनको 4 घंटे काम करना होता है तो वो फिर 6 घंटे काम करते हैं, जिसका सारा सिस्टम आप लोगों की नज़रों के सामने है। आप लोगों ने देखा होगा बर्फ़बारी में हमने शाम के रात के 10-11 बजे जो स्नो क्लियरेंस का काम स्टार्ट किया था, लेकिन वो तभी हो पाया यहाँ का एम्प्लॉई, यहाँ का हमारा कोई सैनिटरी सुपरवाइज़र या सैनिटरी इंस्पेक्टर या वार्ड ऑफिसर, वो तब घरों से निकले जबकि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के कमिश्नर या मेयर साहब को रोड पे देखा तो वो भी मजबूर हो गए। मेरा सीधे मतलब मेरी बात का मकसद यही है, जिस डिपार्टमेंट के चीफ या कमिश्नर हो हमारे महकमे के या जो हमारे मेयर साहब हैं, जब वो सड़क पे खुद रहते हैं, जब वो फील्ड में विजिबल रहते हैं, तो तभी जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो भी मजबूर होके फिर 4 घंटे के बजाय 6 घंटे का काम करते हैं। शॉर्ट में मेयर साहब इस कुर्सी के लायक हैं और इस महकमे में जितने भी हमारे काउंसलर साहिबान हैं उनको भी इस बात को मानना चाहिए कि अगर इनको दोबारा हमने दिया मौका काम करने का, दोबारा इनको मेयर की कुर्सी पे बिठाया, तो दैट सीधे इसका सिंपली मकसद निकलता है कि ये हैं इस लायक और इनको शहर श्रीनगर के लोगों की खिदमत करने का बहुत ही बड़ा जज्बा है और इंशाल्लाह हम भी इसके पीछे पीछे अपने लोगों का, यहाँ के बस्कीन जो भी हैं शहर श्रीनगर के लोग, जहाँ जहाँ से हम इलेक्ट हुए हैं, हम भी अपने एरियाज अपने वार्ड्स की भरपूर खिदमत करने में अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जहाँ तक लोगों का मसला, उनके जो मसाइल होते हैं वो हमारे पास लाए, हमसे जितना हो सकता है हम इंशाल्लाह पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हम लोगों की खिदमत करें और हम उसी चीज़ के लिए हम यहाँ इलेक्ट भी हुए हैं। चलिए, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ तनवीर हुसैन साहब, जो कि हमेशा जो है इनकी नज़रें रहती है श्रीनगर म्यूनसिपलिटी से, और जो है हमने हाल ही में जो आकिब रजू साहब से बात की थी उन्हें बताया था अगर डिप्टी मेयर और मेयर ना होते तो शायद काम अच्छा होता, लेकिन इनका मानना है कि मेयर साहब जो है वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में हम और देखेंगे, क्योंकि 2018 से हम बहुत कुछ देख रहे हैं और आने वाले वक्त में हम भी देखेंगे क्या होगा नया कुछ, क्या आलम बदलेगा या आलम पुराना ही रहेगा। दीजिए अपने मेज़बान शब्रेज़ बशीर को इस वादे के साथ इजाज़त, देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ।